the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा हमेशा की तरह आपके लिए खबरें लेकर आई हूँ। इस बार हम आपको बताएंगे कि ड्रग्स में कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री जो बहुत ही नामी ग्रामी है वो शामिल है। दूसरा आपको बताएंगे कि चीन की नींद किस तरीके से उड़ चुकी है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बॉलीवुड ड्रग चैट में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक ओर जहां एनसीबी सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और राकुल प्रीत को समन भेजने की तैयारी में है, वहीं चैट में जिन एनजीएसडी और के बीच ड्रग्स को लेकर बात हुई है उसमें डी का मतलब दीपिका पादुकोण है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक एनसीबी अब अगले हफ्ते दीपिका से भी पूछताछ के लिए समन भेजने वाली है। एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि ड्रग चैट में डी यानी दीपिका पादुकोण जिस के से माल यानी ड्रग्स मांग रही हैं, वो के असल में करिश्मा है जो कौन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की कर्मचारी है। जी हाँ, दीपिका के सवाल पर करिश्मा कहती है, मेरे पास है लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। करिश्मा आगे कहती हैं, अगर कहो तो मैं अमित से पूछ सकती हूँ। इस पर दीपिका का जवाब आता है, हाँ प्लीज़। करिश्मा कहती हैं, अमित के पास है, वो इसे ले जा रहा है। इस पर दीपिका कहती हैं, हैश ना वीट। बॉलीवुड ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती को जेल हो चुकी है। रिया के पास सारा अली खान, राकुल प्रीत और श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण का भी नाम जुड़ गया है। सारा, राकुल और श्रद्धा के बाद अब एनसीबी दीपिका को समन भेजने की तैयारी में है। सुशांत सिंह मामले में सुर्खियों में आया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश भर के नशे में गोरख धंधे पर लगाम लगाने की सबसे अहम एजेंसी है। एनसीबी हर साल हजारों किलो के नशीले पदार्थ बरामद करती है, हजारों गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन सजा चंद लोगों को ही, वो भी छोटी मछलियों को ही मिलकर रह जाती है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2018-19 के दौरान एनसीबी ने लगभग 256 केजी हीरोइन, 375 केजी अफीम, 3,05,106 केजी गांजा, 950 केजी हशीश, 22 केजी कोकेन, 2.66 किलो मॉर्फीन जैसे नशीले पदार्थ पकड़े थे। इसके अतिरिक्त नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई गोलियां, इंजेक्शन और कई और नशीले पदार्थ भी जब्त किए थे। एनसीबी ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मदद से अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कई ऐसी एकड़ जमीन है जिसमें अवैध तरीके से अफीम उगाई जा रही थी। अब बात करते हैं किस तरीके से नींद खराब हो चुकी है चीन की। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद में तिब्बत के मुद्दे पर कूटनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे पर भारत के साथ अमेरिका ने भी कूटनीतिक कवायद शुरू कर दी है और फिलहाल चीन बैकफुट पर दिख रहा है। दरअसल लद्दाख के पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे से लगे इलाके में भारत के विशेष सीमांत बल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के कंपनी लीडर नीमा तेजिंग की सैनिक अभियान के दौरान मौत के बाद तिब्बत के मुद्दे पर कूटनीतिक कवायद तेज हो चुकी है। नीमा तेजांग भारत के अपनी रेजिमेंट की कंपनी के लीडर थे और भारतीय टुकड़ी और चीनी सेना के बीच पैंगोंग झील क्षेत्र में हुई भिड़ंत में उनकी जान चली गई। अब देखना ये होगा कि चीन और भारत के बीच का विवाद किस मोड़ अंत का होगा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया। वो 72 साल के थे। इनका निधन काठमांडू स्थित आवास पर हुआ। वो लीवर की खराबी समेत कई अन्य बीमारियों से पीड़ित थे और उनके नाम से हिम तेंदुआ जाना जाता है। जी हाँ, उन्हें हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता है। नेपाल पर्वतारोहण संघ के सचिव ने कहा कि शेरपा एक महान पर्वतारोही थे और उन्होंने 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और उनका निधन के बाद हर किसी ने शोक जताया है। आपको बताना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अभिनेता के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और उनकी टैलेंट मैनेजर जया साह से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया। उनके पूछताछ के माध्यम से बॉलीवुड में ड्रग्स के कई पहलू सामने आ रहे हैं। जया साह के फोन से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि बॉलीवुड सितारे सीबीडी
तेल और ड्रग्स की आपूर्ति करने के लिए कहते थे। कई बॉलीवुड हस्तियां जहां साहा की व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, रिया चक्रवर्ती के बाद जया साहा बी टाउन कंट्रोल की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एनसीबी के उस स्रोत को जानना चाहता है जहां जया मशहूर हस्तियों के लिए सीबीडी तेल की व्यवस्था करती थी। एजेंसियां जया साहा के एसएलबी और अमित के नाम के बारे में भी पूछ रही थी, जिसका कथित रूप से चैट में उल्लेख किया गया है। यही अब कहना है एनसीबी का कि वो इसका सफाया कर सकेगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। अब जो खबर मैं बताने वाली हूँ वो है कोरोना वायरस का इलाज कैनाबिस यानी भांग से किया जाएगा। जी हाँ, बहुत आश्चर्य होगा ये सुन के, पर यह दावा कनाडा की एक दवा कंपनी ने किया है। कंपनी ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कोरोना वायरस के लिए बनाई गई टीकों की तरह साइड इफेक्ट नहीं है। ये कोरोना वायरस की वजह से होने वाले दिल संबंधी बीमारियों से भी बचाएगी। कंपनी अपनी दवा का भारत में ट्रायल करने के लिए भारत सरकार से बात कर रही है। बताया जा रहा है कनाडा की दवा कंपनी अक्सीरा का मानना है कि भांग से बनने वाले उत्पाद अमेरिका में कई राज्यों में वैध हैं। कनाडा में भी कई राज्यों में भांग को लीगल घोषित किया जा चुका है। इससे बनने वाली दवाओं में साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये मानव के तंत्रिका तंत्र में आराम पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाले दर्द और दिक्कतों से भी राहत मिलती है। तो देखना होगा क्या भारत राजी होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब बात करते हैं आपके फ़ोन से रिलेटेड जानकारी की। दरअसल भारत में OnePlus 8T को लॉन्च करने की डेट 14 अक्टूबर रख दी गई है। चीनी कंपनी ने प्रेस नोट के जरिए ये जानकारी दी है। OnePlus 8T अप्रैल में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किए गए OnePlus 8 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में लॉन्च होगा। जी हाँ, ये नया स्मार्टफोन नए फीचर्स के साथ आएगा। इसका डिज़ाइन में OnePlus 8 की तुलना में बहुत बदलाव किए जा सकते हैं। भारत में OnePlus 8T की लॉन्चिंग डेट्स जैसे हमने बताया 14 अक्टूबर रखी गई है और शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगी। अमेज़न के माइक्रोसॉफ्ट बनाकर नए स्मार्टफोन की ऑनलाइन उपलब्धता संकेत पहले ही दे दिया है। जी हाँ, हालांकि यह स्मार्टफोन OnePlus के साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा। तो अगर आप चाहते हैं खरीदना OnePlus 8T तो आप स्टोर्स के साथ भी ले सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि भारत में साइबर हमलों की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 में 8 महीने के भीतर तकरीबन 7 लाख बार साइबर अटैक की घटनाएं हुई हैं। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। बताया कि 2015 में जो मामले हुए थे उसमें से 20 अगस्त 2020 तक अगर हम गिने तो वो दुगने हो चुके हैं। जी हाँ, दरअसल बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पाने ने लोकसभा में आंतरिक सवाल करते हुए पूछा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने भारतीय नागरिकों और भारत में कंपनियों को साइबर अटैक का सामना करना पड़ा। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की पहचान सार्वजनिक साइबर हमलों के शीर्ष 5 देशों में की गई है? भारत में साइबर हमले की वृद्धि के क्या कारण हैं? लेकिन इस बात पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। उन्होंने ऐसी कोई जवाब नहीं दिया और मंत्री ने वैध रिपोर्ट वैध नहीं बताई। साथ ही साथ मंत्री ने बताया कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के बढ़ते इस्तेमाल से देश में वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षित घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। सरकार ने साइबर सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने और साइबर हमलों को रोकने के लिए कई उपाय किए थे। मसलन कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी भी होते रहे हैं, लेकिन तब भी ये मामले बढ़ते ही नजर आए। आपको एक बात सुन के बहुत आश्चर्य होने वाला है जो आपको अब मैं जानकारी देने वाली हूँ। आप जिसकी भी फ़ोन कॉल की बातें सुनना चाहते हैं बस उसके स्मार्टफोन पर SMS भेजकर उसकी सारी बातें सुन सकते हैं। जी हाँ, बहुत आश्चर्य हो रहा होगा आपको ये बात सुनकर, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, दरअसल टिकल माई फ़ोन ऐप की मदद से यूज़र किसी भी फ़ोन कॉल अपने मोबाइल पर सुन सकता है। ऐसे ऐप में अच्छी बात ये है कि आप जिसको भी बातें सुन रहे हैं उसको इस बात का पता नहीं चलेगा। बस जिस भी इंसान की बातें आपको सुनना है उसके फ़ोन में टिकल माई फ़ोन ऐप को इंस्टॉल कर देना होता है। आप जिसकी भी बातें सुनना चाहते हैं उसके फ़ोन में टिकल माई फ़ोन ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कर दें, उसके बाद आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। जहाँ तक इस बात पे बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे होंगे, वहीं ये बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि आपकी सारी निजी जानकारियाँ किसी को पता लग सकती हैं। तो वक्त वक्त पे आप अपना फ़ोन जब चेक करते हैं तो ये भी चेक करिए कि कहीं टिकल माई फ़ोन आपके फ़ोन पर अपलोड तो नहीं है। जी हाँ, कहीं किसी ने ये ऐप आपके फ़ोन में डाली तो नहीं है, इस बात की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए।
एक बात के लिए आपको बहुत सावधान होना होगा। दरअसल डिजिटल युग में लोग ज़्यादातर मामलों में गूगल का सहारा लेते हैं, खासकर बात जब ऑनलाइन बैंकिंग की हो। बैंक की वेबसाइट और URL को सर्च करते हैं, लेकिन ये सर्च करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से आपकी सारी डिटेल हैक हो सकती है। अगर ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या URL सीधे एंटर करें। गूगल पर बैंकिंग साइट सर्च करके ओपन करने से दूसरी फिशिंग वेबसाइट भी सामने आ सकती हैं। अनजाने में अगर आपने उन्हें क्लिक कर दिया तो आपकी सारी निजी जानकारियाँ उनको शेयर हो सकती हैं। अक्सर किसी भी शिकायत के लिए हम कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर गूगल सर्च करते हैं, यहीं से हैकर्स की नज़र में आप आ जाते हैं। हैकर्स बैंक कंपनियों, मोबाइल कंपनियों के फेक हेल्पलाइन नंबर को गूगल सर्च में प्रमोट करते हैं। इसकी वजह से जैसे ही आप कस्टमर केयर नंबर गूगल से सर्च करेंगे, आपको फेक हेल्पलाइन नंबर मिल सकता है। इस नंबर पर कॉल करने पर हैकर आपकी प्राइवेसी में सेंध लगा सकता है। तो आपको अगली बार गूगल पे कोई भी नंबर सर्च करने से पहले सावधानी बरतनी होगी। टीवी देखना अब और भी सस्ता हो गया है। टाटा स्काई ने अपने सेटअप बॉक्स के दाम घटाने के साथ साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया है। टाटा स्काई ने अपने टाटा स्काई बिंग सेटअप बॉक्स के नए सेटअप जारी किए हैं, जिसके हिसाब से ये करीब 1500 रुपये और सस्ता हो गया है, और साथ ही साथ आपको इसके अन्य फायदे भी मिल सकते हैं। इसके अलावा टाटा स्काई ने अपने टाटा स्काई नए बॉक्स में टीवी कनेक्शन के दाम में कटौती तो की है। अब नए ग्राहक टाटा स्काई बिंग प्लस में मल्टी टीवी कनेक्शन 3999 रुपये की जगह 2499 रुपये में देख सकते हैं। इस प्रकार से ग्राहकों को 1500 रुपये की बचत मिल रही है। भारत सरकार ने हाल ही में पॉपुलर गेम PUBG बैन कर दिया था। इसके बाद PUBG लवर्स में निराशा फैल गई थी, लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है। भारत में जल्दी PUBG वापस आ सकता है। PUBG मूल रूप से साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल स्टूडियो का गेम है। बैन लगने के बाद चीनी कंपनी ब्लू स्टूडियो ने PUBG मोबाइल की फ्रेंचाइजी वापस ले ली और रिलायंस Jio से डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बातचीत चल रही है। अभी डील की शुरुआत ही हुई है, हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भाजपा नेताओं के कथित घृणा फैलाने वाले भाषणों से निपटने के तरीके पर फेसबुक इंडिया ने कहा कि उनका प्लेटफॉर्म तटस्थ है और बिना किसी पक्षपात के काम करता है। कंपनी ने विभिन्न टीमों से मिले इनपुट के आधार पर ये कदम उठाए हैं। कंपनी ने उसके फैसलों को व्यक्तियों के राजनीतिक झुकाव से प्रभावित होने के आरोपों को खारिज कर दिया। फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन ने कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म को इस तरीके से तैयार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इससे प्रभावित ना हो सके और अकेले दम पर कोई ये फैसला ना ले सके। हेट स्पीच को लेकर टीम ने कई ऐसी बातें कही हैं और नीति टीम अलग और स्वतंत्र है, ये भी कहना है उन फेसबुक इंडिया का। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए डिजाइन किया गया है और कंटेंट प्रबंधन टीम का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के तटस्थ होकर काम करना है। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। आप हमारी वीडियो अंत तक देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स में। जी हाँ, तो अब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाकी खबरों के लिए जैसे हमने कहा, आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। से आभार, डेली हंट डेली हो। नमस्कार।